वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन मार्क्स से क्वेश्चन से रिलेटेड है कि यदि आपके पास कोई ग्राफ दे दिया जाए, किसी पॉलीनोमियल का ग्राफ दे दिया जाए, तो उस ग्राफ को की हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। केवल आपको ग्राफ दे दिया तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है इफ पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल, और आपको एक ग्राफ दे दिया इस पी एक्स का पॉलीनोमियल का ग्राफ, ये हमारे पास पी एक्स का ग्राफ। तो इस केवल इस डायग्राम को देखकर आपको कैसे पता लगेगा कि इस पी एक्स के कितने जीरोस हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफ पी एक्स पी एनी पॉलीनोमियल देन नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्ट इफ नंबर ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कि जितने टाइम्स क्या करेगा आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एंड टच, उतने ही आप क्या होंगे जीरोज होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्राफ इंटरसेक्ट या टच एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जैसे इस ग्राफ की देखता हूं तो वन एंड टू, टू टाइम्स जो है इस पॉलीनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोज होंगे नंबर ऑफ जीरोज होंगे वे कितने होंगे, टू जीरोज। ठीक है, जैसे इस ग्राफ की बात करते हैं तो ये ग्राफ आपके कितने टाइम्स टच कर रहा है, वन टू थ्री फोर, नो दिस इज अ इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, हमें केवल किसको देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस को वन टाइम्स कट कर रहा है, देन जीरोज ऑफ दिस ग्राफ इज ओनली वन, केवल और केवल वन है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, वन टू थ्री, द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट थ्री टाइम्स एक्स एक्सिस, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज थ्री। ठीक है, तो ये टॉपिक से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है यदि आपको एक सेकंड नोट और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपका पॉलीनोमियल से रिलेटेड, ये भी नोट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा, इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके जीरोज होंगे वे दो होंगे, दो जीरोज होंगे, और दो जीरोज होंगे तो हमारे हमें ही निकालना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी अभी तक क्या था कि हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करके क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल दे रखा है उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जो जीरो जाएंगे उनका सम निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जीरोज निकालने ही ना पड़े, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, यानी आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सोल्व करके जीरोज नहीं निकालने हैं, कि पहले आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जीरोज निकाले और फिर उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल के दे दिया, नहीं,
बिना सॉल्व किए ही आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्या बताने हैं, जीरोज का सम निकालना है और जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इसके लिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी आपको बिना जीरोज निकाले ही आपको पता लग गया कि जीरोज का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी एक्स का को मैं अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसमें आपको एक्स का कोफिशिएंट आप कंपेयर करके एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि किसी भी जीरोज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो जीरोज होंगे उनका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा बिना जीरोज को निकाले। यहां से हम जीरोज निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, और बाकी जीरोज निकालना पड़ जाए तो उसको हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको हर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने हैं जहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।